चलिए देखिए, अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए अपलोड कर देंगे ऑब्जेक्टिव वीडियो। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, फिनिश्ड हो चुका है। ऑप्टिक्स चल रहा है, वो भी फिनिश्ड हो जाएगा। अब हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी पर आएंगे। सो मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके हर एक बोर्ड में, हर एक कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में, नीट जेई का एग्जाम दोगे, सबके लिए यह चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना है। बस इस चैप्टर में कुछ बातें समझ लोगे जो समझाना चाहूँगा हम, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट में करंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी, करंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी दो वर्ड से मिलकर के बना है ये। इसमें एक सेकेंड हिल गया, हिल गया। तो चलिए, करंट इलेक्ट्रिक दो शब्द से मिलकर बना है, एक करंट और दूसरा क्या है इलेक्ट्रिसिटी। पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। वाजिब में इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एक ब्रांच है, ठीक है। इसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। नहीं, चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है, चार्ज मोशन में भी हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है और चार्ज मोशन में भी हो सकता है। रेस्ट में जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, या उसका दूसरा नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कोई दिक्कत नहीं। और चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो उसी का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब होता है फ्लो, फ्लो मतलब प्रवाह, फ्लो का मतलब होता है मोशन। क्या होता है मोशन, मोशन मतलब गति, समझ में आ रहा है। तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं। लिखिए इलेक्ट्रिसिटी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स अबाउट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हिंदी इसका क्या हुआ, भौतिकी कि वह ब्रांच मतलब शाखा जिसमें आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे इलेक्ट्रिसिटी हिंदी है विद्युतिकी कहते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब साफ साफ हो गया चार्ज। इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, चार्ज के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं बोला करो, किसके बारे में पढ़ते हैं चार्ज के बारे में। यानी जहां कहीं इलेक्ट्रिसिटी लिखा है इसका मतलब हम लोग उस चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही हुआ चार्ज, क्या हुआ चार्ज। अब हम लोग पार्ट
पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी विद्युतिकी के भाग, इसका कितना भाग होता है? इसका दो पार्ट होता है, कितना पार्ट होता है लिखते भी जाइए, इसका कितना पार्ट होता है? दो पार्ट। पहला चार्ज रेस्ट में हो सकता है, दूसरा चार्ज मोशन में हो सकता है। चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो उसको कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब इसका हिंदी हुआ स्थिर विद्युतिकी। एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, इसी का साइनोनिम है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका भी हिंदी क्या हुआ? स्थिर विद्युतिकी। समझ में आ रहा है? तो ये पार्ट मैंने पढ़ लिया है चार्ज का। अब दूसरा पार्ट जो है वो है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब धारा विद्युतिकी। दूसरा क्या है? धारा विद्युतिकी। यानी इलेक्ट्रिसिटी को कितने पार्ट में बांटते हैं? बोला करो, बोला करो, कितने पार्ट में? दो पार्ट में। कौन कौन सा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो हम लोग पढ़ लिए, इसमें हम लोग स्टैटिक चार्ज, स्थिर चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें हम लोग फ्लो वाला चार्ज, मोशन वाले चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो ऊपर मिटाता हूं हम, थोड़ा लिखिए तेजी से, तेजी से लिखिएगा। आप लोग को पता है कि समय का बहुत अभाव है, सारा प्रेशर टीचर पर ही नहीं छोड़ दीजिए, अपने पर भी लीजिए नहीं, कि सारा प्रेशर टीचर पर दे दिए, बाप बाप कर रहा है नहीं, कुछ आप भी सहयोग कीजिए, तब कुछ कर पाएंगे आपके लिए। यानी कि पैसा दे के बस फुर्सत हो गए कि सारी जिम्मेदारी आप ही का है, हम तो पैसा दे दिए। ध्यान से देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहाँ बाप, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी को ब्रेक करेंगे तो करेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी, बोलो, करेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कह सकते हैं हम लोग? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले इसके वर्ड से हम सेंस समझते हैं, इसके वर्ड से क्या सेंस है? तो ये करेंट है, करेंट का वाजिब में मतलब होता है फ्लो। करेंट का मतलब क्या होता है? फ्लो। फ्लो मतलब बहाव या प्रभाव, नहीं जैसे पानी बहता है, इसी फ्लो को बह रहा है तो मतलब गति कर रहा है, मतलब गति कर रहा है, मौसम में है, इसी का नाम होता है मौसम। क्या नाम होता है? मौसम, मतलब गति। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब अभी साफ साफ सीखे, क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में? चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में करते हैं? चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्ज है। क्या है? चार्ज है। क्या है? चार्ज है। इसी को आवेश कहते हैं। ओह, मौसम में जब रहेगा चार्ज, देखो यहां, मौसम में जब रहेगा चार्ज, इसके नाम में छुपा है, मौसम में जब रहेगा चार्ज तो वही बनेगा करेंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनेगा वो? करेंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युतिकी। क्या बनेगा ये? धारा विद्युतिकी। समझ में आ गया? तो हम लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच
स्टडी अबाउट मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज इज कॉल्ड करेंट इलेक्ट्रिसिटी। भौतिकी की वह ब्रांच, ब्रांच मतलब शाखा, जिसमें गतिमान आवेश के बारे में वर्णन किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, धारा विद्युतिकी, धारा विद्युतिकी कहते हैं। तो समझ में आ गया आप लोग को। ऊपर मिटा रहा, अब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी समझ गए। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग चार्ज कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आप लोग टेंथ क्लास में भी करंट पढ़े होंगे और अभी पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है, ध्यान से देखिए। करंट का मतलब लोग समझ लेता है इलेक्ट्रिक करंट, नहीं, करंट बहुत प्रकार का होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो केवल अगर करंट कहे, करंट, करंट का मतलब क्या होता है, धारा, क्या होता है, धारा मतलब फ्लो, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो, फ्लो मतलब प्रवाह। अगर कोई भी चीज़ बहता है तो वो करंट है, कोई भी चीज़ अगर फ्लो हो रहा है, बह रहा है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, करंट कहते हैं। जो भी कुछ बह सकता है सब क्या है, करंट है, नहीं, लिखिए द फ्लो ऑफ एनी थिंग्स इज कॉल्ड करंट। जो चीज प्रवाह कर सकता है उसे धारा कहते है, क्या कहते हैं उसे, धारा कहते हैं। अभी हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, धारा। तो जो चीज प्रभाव कर सकता है उसे धारा कहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका एग्जांपल में लेते हैं, क्या तुम देखा है पानी फ्लो कर सकता है, पानी फ्लो करता है जी, बोलो हैं, तो पानी फ्लो करेगा तो पानी का धारा, एग्जांपल में लिए वाटर करंट, क्या लिए, वाटर करंट मतलब जल धारा, जल, और तुम बोलो जल धारा बोलते भी हैं, बोलो जल्दी से, गंगा जी ने कहता है धारा बह रही है, मतलब धारा का मतलब करंट, करंट फ्लो हो रहा है,
वो बिजली वाला करंट, वो अलग करंट है, वो चार्ज का करंट है, सब देखेंगे हम लोग। करंट मतलब होता है जो बह सकता है, वो क्या है? करंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो बह सकता है वो करंट है। पानी बह सकता है कि नहीं? बह सकता है, मतलब पानी भी करंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं द फ्लो ऑफ वाटर, द फ्लो ऑफ वाटर। अच्छा, पानी किससे बहेगा? पाइप में, नदी में? बोलो, इज कॉल्ड वाटर करंट। वाटर करंट नहीं, यानी कहेंगे हम लोग जल के प्रवाह को जल धारा कहते हैं, जल धारा कहते हैं। कोई दिक्कत? तो जल कैसे प्रवाह होता है? देखिए, अगर आप इस तरह से रख दोगे पाइप को लेवल पे, किस पे रख दिए, तो यहाँ पर पानी रहेगा तो क्या ये फ्लो होगा? फ्लो नहीं होगा। सेम पोटेंशियल होगा तो फ्लो। अगर आप इस तरह से कर दिए, ऐसा सरफेस है और यहाँ पर पानी रख दिए, तो ये फ्लो होके इधर आ जाएगा। बोलो क्या है? यहाँ समझना है करंट को अच्छे से। ये क्या है? ये हाई पोटेंशियल पर है। किस पर है ये? और ये किस पर है? लो पोटेंशियल पर। नहीं, हिंदी में कहते हैं इसको उच्च विभव। उच्च विभव पर है ये, और ये किस पर है? निम्न विभव पर। निम्न विभव, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी ये कैसे फ्लो होता है? हाई पोटेंशियल से, हाई पोटेंशियल से। यानी वाटर करंट कैसे फ्लो होगा? हाई पोटेंशियल से। अच्छा, इसमें पानी आएगा कहाँ से? मोटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मोटर लगा देंगे, पानी जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमेशा जल धारा कैसे फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से। कोई भी धारा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करता है। तो वाटर करंट आपने देखा, फिगर बनाओ फटाक से। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हीट करंट, हिंदी में इसको कहते हैं ऊष्मा धारा। बेचारा, हीट करंट मतलब क्या होता है? ऊष्मा धारा। तो इसको क्या कहेंगे? बोलो, जल के प्रभाव को जल धारा, ऊष्मा के प्रभाव को नहीं। द फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड, क्या बोलो तो? हीट करंट। ओके, हिंदी में ऊष्मा के प्रवाह, प्रवाह समझते हो ना, बहाव, वहाव को क्या कहते हैं? ऊष्मा धारा कहते हैं। सर, ऊष्मा भी बहता है? हाँ, हीट, हीट भी बहता है। हाँ जी, बहता नहीं है, नहीं बहता हीट। आप लोग कितने लोग हैं जो जानते हैं कि हीट बहता है? बोलो, बोलो जल्दी से। आप लोग रोज देखते होंगे तब फिर भी नहीं आप लोग को पता है। ये चलाते हैं ना कि यहाँ पर आग देते हैं आप, क्या देते हैं यहाँ पे? आग देते हैं। लो, ये लोहिया जो है वो गर्म हो जाता है। क्या होता है ये?
और उसमें अगर छोलनी या कलछुल को सटा के रखते हैं तो यहाँ भी गर्म महसूस होता है कि नहीं? बोले जल्दी से, क्या था यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, क्या था यहाँ पर? हाई टेम्परेचर था HT, और यहाँ पर क्या था? लो टेम्परेचर, क्या था? लो टेम्परेचर, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी हाई टेम्परेचर से किधर गया? ओहो, जैसे पानी भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करता है, उसी तरह से सर हीट भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो करता है। तो वो जो हीट फ्लो करता है उसी को हीट करंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हीट करंट कहते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं हम लोग? हीट करंट कहते हैं। कोई दिक्कत? वाटर करंट समझ लिए। वाटर बेसिकली किस में पास होगा? पाइप में। किस में? ये भी पास होगा, क्योंकि पाइप में पानी जा सकता है। ये जिसमें जा सकता है उसी में पास होगा। यह जिसमें जा सकता है उसको कहते हैं हीट कंडक्टर। क्या कहेंगे? हीट कंडक्टर। हीट का जो चालक होगा उसमें जा सकता है। अगर प्लास्टिक का कलछुल सटाओगे तो बरग जाएगा, क्या उसमें जाएगा हीट? बोलो, अगर प्लास्टिक का कलछुल रहेगा तो जाएगा? इसीलिए बताइए, यहाँ प्लास्टिक लगा देता है कि नहीं? बोलो, कुकर में लगा रहता है कि नहीं प्लास्टिक? यहाँ अगर कुकर का प्लास्टिक हट गया तब छुओगे तो गर्म लगेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लास्टिक हीट कंडक्टर नहीं है, प्लास्टिक हीट कंडक्टर नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सब जगह हीट, सभी चीज में हीट पास, जैसे सब जगह सभी मटेरियल कोई है उसमें वाटर पास कर जाएगा, ऐसा जरूरी? फ्लो करने के लिए पाइप चाहिए, कोई दिक्कत? उसी टाइप से चार्ज सब में पास, यानी इलेक्ट्रिक करंट सब में पास नहीं हो सकता है, वो देखेंगे हम लोग। जो कंडक्टर है, किसका कंडक्टर? इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है, उसी में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, अदरवाइज पास नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? कंडक्टर समझते हैं ना, तार, ये जो तार हम लोग यूज करते हैं, ये तार किससे बना होता है? तांबा से। किससे बना होता है? तांबा से। या याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जो वायर है, तार जो है, संयोजक तार, कनेक्टिंग वायर किससे मिलकर बना होता है? तो आप क्या कहेंगे? तांबा से। किससे? तांबा, कॉपर से बना होता है। अच्छा, फ्यूज तार किससे बना होता है? वो भी कॉपर का ही बना होता है। किससे बना होता है? कॉपर का बना होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कनेक्टिंग वायर कहें, फ्यूज का तार कहें, देखिए दो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, बढ़िया से देखो। कनेक्टिंग वायर कहें, फ्यूज का तार कहें, ये किससे मिलकर बना होता है? कॉपर। किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। चलिए, अच्छी बात है। यानी हीट भी फ्लो करता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो लिखिए, उच्च ताप, और ये क्या हुआ? निम्न ताप। तो इस तरह से आपने हीट करंट को देखा। क्या हमको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ना है हमको? इलेक्ट्रिक करंट। तो अब तीसरा नंबर लिखिए, इलेक्ट्रिक करंट। बोलिए, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा। हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो किसको कहेंगे विद्युत धारा? बोलो तो। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? चार्ज। द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर करंट, द फ्लो ऑफ हीट, हीट करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लिखेंगे हम लोग, द फ्लो
ऑफ इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का ही मतलब होता है चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, तो अब देखिए आवेश के प्रवाह या इसको बहाव को विद्युत धारा कहते हैं, कहते हैं। तनिक सोचिए, तनिक सोचिए कि ये कलछुल अगर नहीं लगाएंगे, ध्यान से देखो, ये हाई टेम्परेचर वाले बॉडी के कांटेक्ट में लो टेम्परेचर वाला बॉडी नहीं रहेगा। आप चूल्हे के पास खड़े हो जाइए, क्या आपको हीट महसूस होगा, आपका गर्म हो जाएगा? तो क्या हमेशा कंडक्टर चाहिए? बोलो, कंडक्टर चाहिए। पानी को छत पर से एक लोटा पानी या जो भी लो उसको सीधे गिरा दो, नीचे गिर जाएगा नहीं गिरेगा? पानी गिराएंगे तो गिरेगा कि नहीं? क्या पाइप चाहिए था वहाँ? क्या जरूरी है कि करंट फ्लो करने के लिए, करंट फ्लो, वाटर करंट फ्लो करने के लिए पाइप चाहिए? क्या जरूरी है हीट करंट फ्लो करने के लिए हमेशा हीट कंडक्टर चाहिए? तो क्या यह जरूरी है इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए तार चाहिए? बोलो, नहीं। नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग जो पढ़ेंगे केवल तार से जो चार्ज फ्लो होगा उसके बारे में, लेकिन वायर रहे तो फिर भी पास कर सकता है, नहीं रहने के बावजूद भी पास कर सकता है। सर एक एग्जांपल बताइए तो, बिजली गिरता है ना ऊपर से, दे वो क्या है? करंट है। क्या है वो? वो करंट कैसे होता है? देखो, बादल एक स्पीड से जा रहा है, दूसरा बादल भी स्पीड से जा रहा है, एक दूसरे से टकराता है। क्या करता है? टकराता है। टकराएगा, हम आपसे टकराएंगे तो क्या होगा? आवाज होगा। बोलो जल्दी से। इसीलिए टकराता है तो आवाज करता है। क्या करता है? ध्यान से देखो, आवाज करता है। जब एक दूसरे को रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण से चार्ज होगा। चार्ज जब ज्यादा होगा तो क्या होगा? स्पार्क मारेगा। हैं? स्पार्क मतलब लाइटिंग करेगा। बोलो जल्दी से। लाइट का स्पीड 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड है, पता है, और साउंड आवाज जो है उसका स्पीड कितना है? 320 मीटर पर सेकेंड। कितना है? तो दोनों घटना एक ही साथ होता है, जब टकराता है उसी समय आवाज भी निकलता है वहां से, समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसी समय लाइट भी चलता है, क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है, लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है, इसीलिए पहले चमकता है, पहले चमकता है और फिर बाद में क्या होता है? बोलो, आवाज आता है लेट से थोड़ा सा, चाहे उसकी स्पीड कम होता है नहीं। तो आखिर वहां से क्या आया? चार्ज आता है। क्या आता है? तो क्या पाइप लगाए थे, यानी कोई कंडक्टर था? नहीं, कोई कंडक्टर, यानी स्पेस में भी चार्ज फ्लो कर सकता है। इसीलिए कभी भी करंट के डेफिनेशन पूछेगा, ये नहीं कहना है कि किसी चालक से पास होगा चार्ज तभी करंट कहलाएगा, ये जरूरी, चालक से भी पास हो सकता है और बिना चालक का भी पास कर सकता है। ध्यान से देखो, तो वही जब चार्ज गिरता है कहीं, वही चार्ज क्या होगा? हाई पोटेंशियल से कहां जाएगा? लो पोटेंशियल में। कहां जाएगा? लो पोटेंशियल अर्थ में। हाई पोटेंशियल से कहां जाएगा? लो पोटेंशियल में, अर्थ में। कोई दिक्कत? एक बार हम बचपन का घटना सुनाते हैं, ठीक है, नानी घर में थे, गोबर का ढेर समझते हैं ना, वो था खेत में, और हम लोग ऐसे दरवाजे पर बैठे थे, वहीं पर संजोग से गोबर पर ही गिरा हुआ लाइटिंग, समझे, चार्ज फ्लो हुआ,
ऊपर से ठनका जिसको कहते हैं, तो वो ऑब्वियसली एक गोबर है तो गोइठा होता है कि नहीं, इतना ज़्यादा चार्ज है, वो चार्ज से खाना बनाते ही नहीं हीटर से जी, तो वो जल गया, जलेगा तो लाल नहीं करेगा जी, बोले जल्दी से, जलेगा तो क्या होगा, लाल हो जाएगा। तो दूर से ही देखा, देखे देखा सब गांव का लोग, हम छोटे थे उस समय, हमको फिजिक्स कुछ नहीं आता था, मतलब बहुत छोटे थे, लाल हो गया। अब वो सुना था वो लोग कहीं कि ठनका जब गिरता है ना तो वह सोना बन जाता है, सच में आज देख लिया, दौड़ा वहाँ पूरा किया, उसको खोदने लगा, कुछ नहीं मिला, समझ में आ रहा है कि नहीं। बोलो चार्ज फ्लो करता है ना अर्थ में जी, अर्थिंग देते हैं कि नहीं हम लोग, तो अर्थ में जाता है कि नहीं, तो अर्थ को छेद कर देता है। बोलो वो सोचता कि उन लोग सोचा कि फार ऐसा रहता है वो धस गया नीचे, फार ऐसा रहता है वो धस गया नीचे, कुछ नहीं होता, वो चार्ज था बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज था, वही वहाँ गया और उस सोने को लाल कर दिया, सॉरी वो गोबर को क्या कर दिया, लाल कर दिया, भरम हो गया लोग को सोना है। अब वो हल्ला हुआ, हाँ देखे, एक ही आदमी ने देखा, पूरे गांव देखा, सब प्रचार किया, हर जगह प्रचार हो जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा ही होता है। वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी था, क्या था वो, इलेक्ट्रिसिटी था, करेंट था, क्या था, करेंट था, ह्यूज अमाउंट ऑफ करेंट था, जो कि बादल के टकराने के कारण प्रोड्यूस हुआ था, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के कारण, और वो अर्थ के सरफेस पे आके गिरा था, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब, जिस तरह से पानी को फ्लो करने के लिए हमेशा पाइप नहीं चाहिए, बिना पाइप का भी फ्लो हो सकता है, उसी टाइप से कंडक्टर को, सॉरी हीट को भी फ्लो करने के लिए हमेशा हीट कंडक्टर चाहिए, यह जरूरी नहीं है, बिना हीट कंडक्टर का भी पास होता है। आप चूल्हे के पास होते हो, चूल्हे से आपको हीट महसूस होने लगता है, तो क्या चूल्हा से आया, क्या आप सटे थे उसमें, नहीं सटे थे। उसी टाइप से बाबू, इलेक्ट्रिक करेंट को चलने के लिए हमेशा कंडक्टर का ही जरूरी नहीं है। अगर इसके डिफिनेशंस में कोई कंडक्टर लिख देता है, इट मीन्स कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। अब कि जिससे पास होगा उसका करेंट, अगर कंडक्टर से पास होता है कंडक्टर का करेंट, अगर बिना कंडक्टर से पास हो रहा है बिना कंडक्टर वाला करेंट कहलाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, तभी आपका कोई भी, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे जेई नीट कुछ भी हो, तभी निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। इसलिए मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। तो ध्यान देना, इसका हिंदी लिखोगे, लिख लीजिए, आवेश के प्रभाव के को, आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को, बहुत अच्छी तरीका से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं, अगर चालक में पास हो रहा है तो चालक का विद्युत धारा, बिना चालक का होगा बिना चालक का विद्युत धारा, कोई दिक्कत, क्लियर कॉन्सेप्ट। जैसे अच्छा बताइए, हीट अपने आ गया था, चूल्हा जलाना पड़ा, जलाना सोर्स होता है ना, हीट अपने आया कि चूल्हा जलाना पड़ा, सोर्स होता है हीट का, सोर्स चूल्हा से जलाइए, और भी कोई भी चीज़ से दे सकते हैं। पानी अपने पाइप में आया था कि मोटर लगाए, मोटर चलाए, उसी टाइप से करंट अपने तार में दौड़ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। ध्यान से देखिए, कोई टीचर्स, जनरली टीचर्स ऐसे करते हैं, कहता है इधर से करंट आया, इधर से आया, कहाँ से, ये ऐसा भी रहेगा तुम समझो कि बैटरी इधर लगा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी को शॉर्ट में ऐसे ऐसे दिखा देता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब चलते हैं, एक बैटरी रहना जरूरी है, चाहिए या नहीं चाहिए,
चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो जल्दी से, चाहिए ना? बहुत मजा आने वाला है, केवल पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। यह बैटरी, बैटरी है, इसमें कितना टर्मिनल होगा? दो। कितना होगा? एक प्लस और दूसरा है। कोई बहुत पैसा वाला है क्या कहते हैं? हाई पोटेंशियल का आदमी है ना। कोई कम पैसा वाला है क्या कहते हैं? लो पोटेंशियल का है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत तेज स्टूडेंट है कहते हैं, हाई पोटेंशियल का स्टूडेंट है, बहुत कम है तो क्या कहते हैं? लो। इसका मतलब ये प्लस है, प्लस बड़ा कि माइनस बड़ा? प्लस बड़ा, इसीलिए इसको कहते हैं हाई पोटेंशियल। क्या कहते हैं? हाई पोटेंशियल, उच्च विभव। क्या कहते हैं? उच्च विभव। और ये क्या है? लो पोटेंशियल। क्या है? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? निम्न विभव। तो बच्चा पार्टी, करेंट किधर से फ्लो होगा बोलो? किधर से होगा? हीट कैसे फ्लो रहा था? ऐसे ऐसे करता है, बोलो ना यार। हाई पोटेंशियल से किस में? लो पोटेंशियल में। नहीं, हर चीज हाई से कहाँ जाता है? लो में। तो हर चीज हाई से लो में जाएगा। नहीं तो करंट भी फ्लो होगा कहाँ से? हाई से लो में। ठीक है, बोला करो, बोलने के बाद हमको लगता है कि समझ गया। अब नहीं तो ध्यान से देखिए, जैसे सपोज डेट देखो। अच्छा बोलो तो, केवल पाइप से पानी एक जगह दूसरे जगह लेके जाते हैं कि पाइप से पानी दौड़ाए मकान में, हर जगह नल भी लगाते हैं? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, कि पानी दौड़ाते रहते हैं? ऐसा तो नहीं करते हैं, नल भी लगाते हैं, यूज करते हैं? या नहर में पानी दौड़ा दिए तो क्या पानी गंगा जी में जाने के लिए छोड़ता है डैम, कि सिंचाई करने के लिए? उसी टाइप से जब बिजली यानी करंट हम लोग तार में दौड़ा देते हैं, कंडक्टर में दौड़ा देते हैं, तो क्या उसको करंट दौड़ाने के लिए छोड़े थे? पंखा चलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, और सब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम चाहें तो एक तार दिखा दें, यहाँ चाहें तो एक तार दिखा दें, लेकिन करंट हम लोग एक्चुअल में वाजिब में यूज करते हैं कुछ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए। तो ध्यान से देखिए, एक बल्ब लगाए हैं। क्या लगाए? बल्ब है ये, ये फिलामेंट है इसका, कोई दिक्कत? देखो प्लस से जोड़ दिए एक को, दो ठो रहता है ना बल्ब में, और दूसरे को माइनस से। एक को प्लस से, दूसरे को माइनस से, ये बल्ब है। ये क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, बल्ब जो जलाते थे आज तक हम लोग, या फैन जो चलाते हैं, कितना तार लगा है गिन के बताओ तो? बोलो, बल्ब जो जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, कितना तार लगा रहता है? वाजिब में वो दो नहीं है, एक है। कितना है वो? एक है। देखो दो तार रहता है ना, बोलो जल्दी से, एक तार, एक दो तार, या दो तार मिल के यहाँ सटाते हैं एक इसमें एक इसमें? वाजिब में तुम देखो तो पानी, कभी दो पाइप, पानी को फ्लो करने के लिए दो पाइप चाहिए? बोलो, पानी को फ्लो करने के लिए दो पाइप चाहिए? एक पाइप चाहिए। तो करंट को फ्लो करने के लिए दो तार चाहिए? बोलो नहीं ना, वो भी तो करंट तार जो है पाइप की तरह रोल करेगा, तो दो पाइप चाहिए? नहीं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट निकाल दो कि दो तार चाहिए, दो तार नहीं एक तार चाहिए। कितना? एक ही तार होता भी है, दो देता क्यों है? यहाँ देखो, एक प्लस से जोड़ने के लिए दूसरे, एक हाई पोटेंशियल पर दूसरे। देखो हाई पोटेंशियल से करंट चलना स्टार्ट किया, देखो हाई पोटेंशियल से करंट चलना स्टार्ट किया, घुसा बल्ब में। अगर बल्ब नहीं ऐसे जोड़ देते थे, धीरे से चला जाता, लेकिन हम क्या फालतू पानी भेजेंगे, कुछ काम करेंगे उससे? इसलिए इस बल्ब में घुसा, बल्ब को जलाते हुए लो हो गया, डैम से पानी छोड़े, खेत उत को पटाते हुए गंगा जी में चला गया। डैम हाई पोटेंशियल पर था, गंगा जी नीचे है, लेवल नीचे है, लो पोटेंशियल पर था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो
क्या केवल नदी से पानी बहने के लिए छोड़ देते हैं, सिंचाई करने के लिए, कुछ यूज करने के लिए? नहीं, उसी टाइप से इस यहाँ से हाई पोटेंशियल से चला, बल्ब को जलाते हुए यहाँ चला आया। इसी बल्ब को जोड़ने के लिए एगो माइनस से भी पाइप को कनेक्ट करना पड़ेगा। बोलो, अगर ये एक के तार रहेगा तो यहाँ से पानी जाएगा, यहाँ थूम हो जाएगा। बोलो, पाइप इधर आइए, नहीं बोलो होगा नहीं ना। इसीलिए पानी देने से पहले ये निकलने का रास्ता होना चाहिए। बोलो जल्दी से। उसी टाइप से चार्ज देने के लिए एक तार ये यूज होता है, यही फिर इसी तार में कनेक्ट होता है निकलने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बल्ब वाजिब में कितने तार से जलता है? देखो तो यहाँ से एक ही तार से जलता है। पंखा वाजिब में कितने तार से चलता है? एक ही तार से। समझ में आ रहा है कि नहीं? इट इज द कॉन्सेप्ट। यानी करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से किस में जाता है? लो पोटेंशियल में जाता है। हैव यू एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको नोट डाउन करो। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पढ़ा। जल्दी जल्दी लिखिए। अब कुछ समझाते हैं। अब करंट हम लोग समझ गए कि चार्ज जो फ्लो होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? करंट। अब उसको मापेंगे भी ना हम लोग। बोलो, उस करंट कितना फ्लो किया, नहीं किया, हाँ किया है? जैसे देखिए एक एग्जांपल देते हैं। एक ये चार्ज बॉडी है और ये दूसरा चार्ज बॉडी है। ओके, इसमें था 20 कूलम चार्ज। कितना है 20 कूलम चार्ज? कितना है? और इसमें है 2 कूलम। ओके, समझ में आ गया? तो बोलो पोटेंशियल किसका ज़्यादा है? 20 कूलम वाले को ज़्यादा, अमीर है ना? इसका पोटेंशियल क्या है? लो। इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पर है और ये लो पोटेंशियल पर है। नहीं, अगर इसको तार से जोड़ दे, किससे जोड़ दे, तो बताइए चार्ज फ्लो होगा कि नहीं? बोलो, चार्ज फ्लो होगा कि बोलता है कि नहीं जी? चार्ज फ्लो होगा या नहीं? आंसर क्या है? होगा। चार्ज जब फ्लो करेगा तो इसका मतलब करंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, करंट बनेगा है? अच्छा, कितना चार्ज फ्लो करेगा बोलो तो? कब तक फ्लो करेगा? कब तक फ्लो करेगा? टोटल कितना है? 22। यानी 11 कूलम इस पर और 11 कूलम इस पर, इतने देर तक फ्लो करेगा। जब दोनों में बराबर हो जाएगा तब फ्लो करेगा। अरे यार देखो, जैसे एक ये पानी से भरा हुआ डब्बा है, पानी से, एक ये खाली डब्बा है, ये खाली डब्बा, ये इसको पाइप से जोड़ दो। जोड़ दिए? बोलो, जोड़ दिए हैं? और यहाँ भी नल लगा दिए हैं, ठीक है? अब खोल दो नल, तो बड़ा तेजी से पानी जाएगा। कब तक जाएगा? इसका लेवल और इसका लेवल, यानी दोनों का पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तो फ्लो होना बंद। तो उसी टाइप से जितना इसका पोटेंशियल उतना, क्योंकि चार्ज सेम हो गया तो यह अब फ्लो नहीं होगा। अच्छा, ये पूछे कितना कूलम फ्लो किया चार्ज, बताओ तो? ये चार्ज जो फ्लो किया इसमें, क्या ना जी, इससे इसमें कितना फ्लो किया? देखिए कैसे पता करेंगे। पहली बार मानो एक कूलम पास किया, कितना हो गया इधर? 3। 2 से कितना हो गया? और इधर कितना बचा? 19। अब इधर चला गया दूसरे बार में 4 कूलम, इधर कितना बचा? अब और चला गया तो 5, इसमें कितना बचा? और चला गया एक तो 6, कितना बचा? 16।
और चला गया तो है सात, कितना सात, इधर कितना बचा, और चला गया तो इधर कितना बचा, और चला गया तो इधर कितना बचा, गड़बड़ बात। देखो इससे एक चला गया इसमें तो तीन बन गया, ये कितना बन गया तीन, ये बन गया उन्नीस। तो नौ अगर इससे चला जाता है, कितना चला गया नौ, नौ अगर आ गया इससे, नौ दो कितना, नौ चला गया तो कितना बचा, ग्यारह, जोड़ने में गलती किए थे, ठीक है आप लोग। तो यहाँ पर समझ में आ गया, तो कितना चार्ज फ्लो किया बोलो, नाइन कूलम, कितना चार्ज फ्लो किया, अगर टाइम दिया तीन सेकंड, कितना दिया तीन सेकंड, समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना दिया तो बताइए, तो एक सेकंड में कितना पास किया होगा, तब तीन सेकंड में ऐसा हुआ तो एक सेकंड में कितना किया होगा, नौ में तीन से भाग दे देंगे है एक सेकंड का निकालने के लिए, यानी नाइन कूलम बाय तीन सेकंड, ये कट जाएगा तो तीन, तो क्या आया ये तीन कूलम पर, तीन कूलम, यही तीन कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी धारा कितना है तीन एम्पियर, कितना धारा है, यानी कह सकते हैं अगर नौ कूलम चार्ज पास किया तो हम कह सकते हैं कि धारा जो बना होगा कितना तीन एम्पियर, कितना, यानी प्रत्येक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है बाबू, प्रत्येक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है या चार्ज फ्लो करने का जो दर है वही करंट का मेजरमेंट है, वही क्या है करंट का। अब आया समझ में कि चार्ज फ्लो करने का पर सेकंड जो रेट है उसी को क्या कहते हैं, करंट का मेजरमेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत, तो ये करंट का मेजरमेंट हो गया आपका, कोई दिक्कत। अच्छा ये बताइए, वाजिब में कहा जाए तो पहले सेकंड में टाइम जब देखे एक सेकंड उस समय चार्ज ज्यादा पास किया होगा, अरे जब खोलेंगे नल उस समय पानी बड़ी तेजी से चलेगा ना, दिमागे ने लूट ले रहा है, पानी जब खोलेंगे यहाँ तो उस समय पानी तेजी से जाएगा ना, बाद में धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन हमने क्या कह दिया कि प्रत्येक सेकंड में तीन जा रहा है, जरूरी जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले सेकंड में ज्यादा दूसरे में कम, समझ में आ रहा है कि नहीं, तीसरे में और कम, एक एवरेज नहीं बताते हैं, ये क्या निकला एवरेज, क्या निकला एवरेज, क्योंकि एक जैसा फ्लो नहीं हो सकता है। जैसे तुम देखो वेलोसिटी के बारे में सोचो, वेलोसिटी बराबर क्या होता है बोलो, डिस्टेंस बाय टाइम, क्या होता है, होता है कि नहीं है, अगर तुमको पूछे गाड़ी चला के यहाँ आए हो, तुमको पूछे कितने वहाँ घर से यहाँ कितना देर में आए हो, कितने स्पीड से, तो तुम जवाब दे पाओगे, कभी 40 चलाया, कभी 50, कभी 30, लेकिन तुम बता सकते हो एक एवरेज, क्या बताओगे एवरेज, क्या बताओगे एवरेज, कि टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल टाइम कितना लिए, भाग दे दोगे सीधा, जो वैल्यू निकलेगा वही तुम बता दोगे कि उतना स्पीड से सर हम आए। उसी टाइप से ये करंट का जो मेजरमेंट है, ध्यान से देखो, करंट का जो मेजरमेंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो आवेश प्रवाह की दर है उसी को मेजरमेंट ऑफ करंट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, मेजरमेंट ऑफ करंट, धारा का मापन कहते हैं या धारा का मान कहते हैं। वो जो धारा का मान है हम जो बताते हैं क्यू आई बराबर क्यू बाई टी, नहीं वह क्या है एवरेज है, क्या है वो, क्या है वो एवरेज है, नहीं जैसे वेलोसिटी के लिए हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम पढ़ते थे, फिर एवरेज वेलोसिटी पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे एवरेज वेलोसिटी, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ते थे, नहीं उसी टाइप से ये बैग है चलने वाला, क-
करेंट है, ये भी फ्लो होता है, ये भी चलता है, यानी आई बराबर जो क्यू बाई टी है ये भी चलने वाला है, मोशन बता रहा है चार्ज का, ये भी गाड़ी घोड़ा सबका मोशन बता रहा है, दोनों एक जैसा व्यवहार कर रहा है कि नहीं, हाँ या ना। यह डिस्टेंस तय करता है फ्लो होने पर, यहां पर फ्लो होगा कौन, चार्ज कौन होगा, टाइम टाइम एक जैसा है कि नहीं, बोलो टाइम टाइम एक जैसा है कि नहीं। तो जैसे यहां पर वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, एवरेज वेलोसिटी बराबर एक्स टू माइनस एक्स वन बाय टी टू माइनस टी वन, ये टाइम होता था डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, उसी टाइप से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होता था किसी क्षण का, नहीं कहेंगे पचमे सेकंड में कितना गाड़ी चलाए, कितना स्पीड था, तुम देखोगे स्पीडोमीटर बता दोगे, लेकिन पूरे समय में पूछेंगे तो बताना संभव नहीं था। उसी टाइप से करंट पूरे समय के लिए एवरेज बताते थे, यहाँ यहाँ पर भी पूरा समय के लिए एवरेज बताएंगे, और इंस्टेंटेनियस करंट के लिए किसी क्षण पर बताना है। यानी करंट का मेजरमेंट दो प्रकार से हो सकता है, एक एवरेज करंट, दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कल हम लोग मेजरमेंट ऑफ करंट लिखेंगे, केवल समझ तो आ ही गए, उसके बाद हम लोग एवरेज करंट पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस करंट, जैसा कि 11th में हम लोग को वेलोसिटी के साथ करना पड़ा था, वेलोसिटी पढ़े फिर एवरेज वेलोसिटी पढ़े और इंस्टेंटेनियस करंट, उसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसी टाइप से करंट में भी पहले वेलोसिटी पढ़ेंगे, ये पहले करंट पढ़ेंगे जो क्यू बाई टी निकलेगा, फिर एवरेज करंट पढ़ेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस करंट पढ़ेंगे, बोथ आर सेम। यहाँ गाड़ी घोड़ा का मौसम था, यहाँ पर चार्ज का मौसम था, चार्ज का मौसम था, क्या चैप्टर बदलने से कॉन्सेप्ट बदल रहा है, पूरा फिजिक्स एक है कि नहीं, कैसे याद रहता है हम लोग को, इसीलिए याद रहता है कि हर जगह एक ही चीज लगता है, अगर उसको तोड़ मड़ोड़ को कर देखा जाए हर जगह एक ही चीज लगता है, केवल आपका विजन और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप आराम से लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, डेली आइए, बहुत अच्छी बात। यह वीडियो ज़्यादा दिन तक अपलोड नहीं होगा, ठीक है, जब तक इंतज़ार कर रहे स्टूडेंट्स आने का, उसके बाद किसी भी दिन अपलोडिंग बंद कर सकते हैं, नहीं।